भारत पहली बार ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। सोमवार से शुरू होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में 19 देश हिस्सा लेंगे। वन्य जीवों के शिकार और उनके अंगों की तस्करी की बढ़ती घटनाओं से केंद्र सरकार चिंतित है। इस बारे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने गो न्यूज़ को विस्तार से बताया। इंडिया जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत एक बड़ा वाइल्ड लाइफ जो है कॉन्फ्रेंस होल्ड करने वाला है। सर, वाइल्ड लाइफ को लेके अक्सर चिंता रही है, केंद्र की अटेंशन भी रहा है, एक इसीलिए आई थिंक जो सीजर्स भी हैं वो बड़े हैं। कुछ दिन पहले SSB ने काफ़ी काबिलियत दिखाई थी, उन्होंने जो स्निक वेनम को उन्होंने पकड़ा था। तो एक तरफ जहाँ जो सीजर्स बढ़ रहे हैं और शायद ट्रेड ऑनलाइन भी जा रहा है, तो इस पे खास चिंता है केंद्र की और कैसे इस पे क्रैकडाउन किया जाएगा? हम तो मैंने जैसे कहा कि ये अभी जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस हो रही है, 19 देश जो है जहाँ ये समस्या इतनी ज़्यादा रहती है गंभीर, उनकी कॉन्फ्रेंस अंतर्राष्ट्रीय हम यहाँ होस्ट कर रहे हैं। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है और सारे विदेशी और देश के एक्सपर्ट्स जो हैं, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं, कोई कंजर्वेशन स्पेशलिस्ट है, एकेडमिशियंस हैं, साइंटिस्ट है, ये नेचर लवर्स हैं, ये सब मिलकर जो है वहाँ पर डेलिब्रेट करेंगे कैसे हम इसको पोचिंग को हैंडल कर सकते हैं, कैसे इलिसिट ट्रेड को हैंडल कर सकते हैं, कैसे और बेहतरी से इसके लिए हम टूल्स अपने जो है डेवलप कर सकते हैं, कैसे अपने एक्सपीरियंस और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ हम अगले 15 साल के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान भी जो हमने बड़े नए इनोवेशन के साथ उसको एम्बिशियस, सर 15 साल काफ़ी लंबी प्लानिंग होती है, इट्स एन एम्बिशियस प्लान। इट्स एन एम्बिशियस प्लान, बहुत डिटेल में, बहुत गहराई से हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने मिलकर उसको बनाया है। कई कई बार उसका डेलिब्रेशन हुआ है, मेरे सामने प्रेजेंटेशन हुआ है, मैंने अपने सुझाव दिए हैं और वो बहुत मल्टीपल लेयर्स में से निकल के वो आ रहा है। 2 अक्टूबर को उसको देश के सामने प्रेजेंट करेंगे, आपको भी देंगे उसकी कॉपी। एंड सर, एनी स्पेसिफिक एरिया जहाँ आपको खास चिंता का विषय, स्पेशली ऑनलाइन ट्रेड को लेके, बिकॉज वहाँ अक्सर लोग छुप जाते हैं जिस तरीके से ऑनलाइन का भी जो विस्तार हो? ऑनलाइन ट्रेड के बारे में भी जैसा कि अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि उसको ऑनलाइन जो एक्टिविटी है उसको ऑनलाइन टूल्स से मैनेज करना पड़ेगा। तो अभी तो भारत डिजिटल हो रहा है, तो डिजिटल होने के साथ साथ हम भी हमारी एक्टिविटीज़ के अंदर, अभी आप जो जंगलों के अंदर जो गरीब आदिवासी या दूसरे इलाके के जो लोगों को हमने फॉरेस्ट के अंदर जो है वॉच एंड वार्ड के लिए नियुक्त किया है, आप देखिए कि उनको भी हमने जो है कुछ ना कुछ ऐसा टूल दिया है जिससे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंटर स्ट्रैटेजी है, उसको पूरा गंभीरता से हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है, उसके बारे में जो वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो है उसके पूरा संज्ञान में है विषय और पूरा स्ट्रैटेजिकली उसको हम हैंडल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।